अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। भारत में अब तक का पहला अल्कोहल संग्रहालय गोवा में खोला गया है। ये जगह पार्टी करने और बीच के शौकीनों की सबसे पसंदीदा मानी जाती है। संग्रहालय के माध्यम से लोगों को यहाँ की संस्कृति और अनोखे इतिहास की जानकारी दी जाएगी। इसका नाम ऑल अबाउट अल्कोहल रखा गया है। संग्रहालय कैंडोलिम में स्थित है। ये जगह पर्यटकों के बीच स्थानीय रूप से पी जाने वाली फैनी शराब के लिए लोकप्रिय है, जिसे नारियल या काजू फल से बनाया जाता है। कैंडोलिम में अपनी तरह का अनूठा संग्रहालय 500 साल पुरानी फेनी की कहानी बताएगा। संग्रहालय में फेनी की सदियों पुरानी बोतलें रखी गई हैं, कांच से बने बर्तन हैं, पुराने लकड़ी के डिस्पेंसर हैं और इनके पीछे छिपे इतिहास की जानकारी दी गई है। ऑल अबाउट अल्कोहल संग्रहालय के संस्थापक नंदन को जकड़कर ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, संग्रहालय शुरू करने के पीछे का उद्देश्य है दुनिया को गोवा की समृद्ध विरासत, विशेष रूप से फेनी की कहानी बताना है, जिसे यहाँ काफी पसंद किया जाता है। फेनी हैज अ हेरिटेज टैग, इट इज द हेरिटेज ड्रिंक ऑफ गोवा। नाउ अमंगस्ट द 1001 थिंग्स दैट आई हैव हियर, आई लव टू से that what I love to promote here is the fruit of this soil. Feni is used also as a medicine. Feni is used also as a recreational drink for a social evening. Feni is also used for cooking. Feni has various parts of Goan life. Feni exists. पेशे से बिजनेसमैन कोट चढ़कर प्राचीन वस्तुओं को एकत्रित करने के शौकीन हैं और कैंडोलिम में क्लब LPK के मालिक भी हैं। उनका कहना है कि वो शराब के सेवन की आदत को बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन गोवा में फैनी बनाने की अनूठी और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए बस उन्होंने एक गैलरी की स्थापना की है। अल्कोहल संग्रहालय के CEO आर्मांडो डुआर्टे ने कहा, साल 2016 में सरकार ने फैनी को हेरिटेज ड्रिंक घोषित किया था। ये जरूरी भी है क्योंकि कई संस्कृतियों ने अपने सांस्कृतिक पेय जैसे शैंपेन और वोदका को अपनाया है। संग्रहालय पणजी से लगभग 10 किलोमीटर दूर उत्तरी गोवा के समुद्री तट सेंक्वेरियम और कैंडोलिम के पर्यटन केंद्र को जोड़ने वाले स्थान पर स्थित है। इसे ऑल अबाउट अल्कोहल लिखे बड़े बोर्ड से भी पहचाना जा सकता है। संग्रहालय के अंदर 4 कमरों में एग्जीबिशन के लिए पुराने मिट्टी के बर्तन रखे गए हैं। 16वीं शताब्दी के माप उपकरण भी हैं, जो फैनी देते समय इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा एक प्राचीन लकड़ी का शॉट डिस्पेंसर भी मौजूद है। We are thankful for the government in 2016. They have made this drink a heritage drink. It's important because many cultures have embraced their cultural heritage, cultural brew, and some countries are known for it.